तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी रजनीगंधा के बारे में। देखिए कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और भीनी भीनी सी इसमें खुशबू आती है। तो देखिए ये हैं मेरे रजनीगंधा के बल्ब और देखिए इसके सारे प्लांट जो है कितने सूख गए हैं। तो मैं अब सबको हटा दूंगी और हटा के फिर इसकी मिट्टी चेंज करूंगी और फिर हटा के बताऊंगी दोस्तों कि कैसे मैं इनको बल्ब को लगाती हूँ और क्या क्या मिट्टी कैसे मैं इनकी मिट्टी बनाऊंगी। तो वो सारा वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं हूँ पवित्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल द स्वीट पॉटनिस्ट में। तो देखिए दोस्तों रजनीगंधा बल्ब से ग्रो होता है और उसके एक ही बल्ब होगा ले आएंगे आप एक या दो, तो उससे बहुत सारे साल दर साल दोस्तों उसमें मल्टीप्लाई होके बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे ये दो पॉट में लगे हुए हैं और मैं अब इनकी 2 साल हो गए हैं करीब लगे हुए इन पॉट में। तो मैं अब इनको निकाल लूँगी सारे बल्ब को और इसकी मिट्टी को मैं चेंज करूँगी दोस्तों। तो मिट्टी चेंज करने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से मैं इसमें खाद वगैरह कंपोस्ट वगैरह डाल दूंगी तो उससे अच्छे से इसकी फ्लावरिंग होगी। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे मैं सारे इसके बल्ब निकाल लूंगी और बहुत सारे बल्ब इसमें निकलेंगे दोस्तों। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बहुत सारे एक बल्ब से ही बहुत सारे बन जाते हैं। तो रजनीगंधा में बहुत एक लंबी सी स्टिक निकलती है और उसमें उसमें फ्लावर्स लगता है। तो दोस्तों बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो देख रहे हैं आप कितने सारे बल्ब मैंने ये निकाल लिए हैं, ये बन गए हैं। इसमें देखिए इस तरह बिल्कुल अरबी के जैसे। तो अब देखिए मिट्टी में, देखिए मेरे पास जो है ये मैं फंजीसाइड लूँगी और नॉर्मल गार्डन सॉइल और इसमें मैंने देखिए कंपोस्ट मिलाई है और ये है देखिए दोस्तों ये कोयला, थोड़ा सा ये लकड़ी की राख है उसमें ही लकड़ी के बड़े बड़े से टुकड़े हैं तो मैंने थोड़ा कूट के इसमें मिला दिया है और देखिए चाय की पत्ती और मिलाई है मैंने। तो अब सारी चीज़ें जब मिला के अब देखिए मैंने ये पॉट्स में मैंने ये मिट्टी भर ली है। अब इसमें मैं इन सब सभी बल्ब को लगा दूंगी। तो दोस्तों ज़्यादा पॉट मेरे पास खाली नहीं है, 2 पॉट में ही लगाऊंगी। तो एक मैंने ये लंबी ट्रे वाली ट्रे ले ली है, पॉट ट्रे पॉट ले लिया है, उसमें मिट्टी भर के इसमें बल्ब बहुत ज़्यादा थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे। तो इस तरह से आप रजनीगंधा को ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह मैं धीरे धीरे सारे इसमें बल्ब लगा दूंगी और ये फरवरी का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। आप अभी अपने गार्डन में जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे कटिंग से प्लांट्स लगाना चाहते हैं या रिपोर्टिंग करना चाहते हैं या फिर दोस्तों कटाई छटाई उसमें और प्लांट्स में खाद वगैरह, वो आप इसी समय दे लीजिए। बहुत अच्छा ये महीना होता है गार्डन का काम करने के लिए और जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं दोस्तों उन सभी पे काम करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, ताकि हमें आने वाली गर्मियों में हमारे घर में ग्रीनरी और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती रहे। तो इस तरह से मैंने दोनों पॉट में देखिए दोस्तों लगा दिए हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।